बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींचतान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर योगी ने आज मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर चुनाव को लेकर योगी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। इससे पहले 30 जून को हुई बैठक में योगी ने उपचुनाव में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, लिहाजा आज होने वाली बैठक में सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक के बाद आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें योगी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया था। यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक झटका क्या मिला? मतभेद की कई दीवारें पार्टी के अंदर खड़ी हो गई हैं। कल रात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब एक घंटे की मुलाकात में मौर्य को क्या सियासी पैगाम मिला, इस पर तो अभी सस्पेंस बना है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य खुद दिल्ली नहीं आए, बल्कि उन्हें बुलाया गया था। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। लखनऊ के कुकरेली में अब बुलडोजर नहीं चलेगा। आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ। कुकरेली नदी के किनारे बसी कॉलोनियों से एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलने पहुंचा। योगी ने आश्वासन दिया कि कुकरेली नदी के किनारे बसे किसी भी घर को ढाया नहीं जाएगा। योगी का कहना है कि नदी की वर्तमान 35 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त है और इस सीमा के भीतर कोई भी निर्माण प्रभावित नहीं होगा। योगी ने प्रशासन को तुरंत निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए। इसके लिए पंत नगर समेत 4 कॉलोनियों के करीब 2000 घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल बना ममता बनर्जी मानहानि मामले में निषेधाज्ञा पारित की है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा कि वो बंगाल के राज्यपाल पर कोई अपमानजनक टिप्पणी ना करें। हाईकोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ किसी भी तरह के अपमानजनक टिप्पणी या गलत बयानबाजी पर रोक लगा दी। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि राज्यपाल के खिलाफ हाल ही आरोपों के कारण महिलाएं राजभवन में प्रवेश करने में असुरक्षित महसूस करती हैं। अदालत ने कहा सीवी आनंद बोस एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। बजट से पहले बीजेपी के सहयोगी दल अपने राज्यों के लिए स्पेशल पैकेज के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उन्होंने शाह से राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी केंद्रीय बजट में पर्याप्त धन आवंटन का आग्रह किया। दो दिन की दिल्ली यात्रा में चंद्रबाबू नायडू आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद, उद्धव गुट ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के मुखिया ने सीनियर नेताओं की बैठक ली, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो शिवसेना यूबीटी ने राज्य के 288 सीटों में से करीब 1500 सीटों पर नजरें गड़ा रखी है। 125 सीटों का चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर किया जाएगा। 2019 के चुनाव में शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी और पार्टी ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक वॉर रूम बनाने की तैयारी भी कर रही, जिसमें थिंक टैंक मौजूद रहेंगे। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी के पिता की हत्या के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कल दोपहर पुलिस ने 24 घंटे में कातिलों को पकड़ने का दावा किया था। इस बीच कल देर रात मुकेश सैनी पिता के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे और जीतन सहनी का अंतिम संस्कार किया गया। कातिलों ने जिस बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया, उसे लगता है कि कातिल किसी भी सूरत में मुकेश सहनी के पिता को जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दरभंगा के विरौली इलाके से विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के कद्दावर नेता माने जाने वाले मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर आई। दरभंगा के सुपौल बाजार में पैतृक घर से मुकेश सहनी के पिता का शव मिला। मौकाई वारदात का मंजर देखकर साफ पता चल रहा था कि कातिल बहुत बेरहम थे। इस हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत में आए उबाल के बाद मीडिया के सामने आए दरभंगा के डीआईजी रामबाबू ने दावा किया कि 24 घंटे में कातिल सलाखों के पीछे होंगे। एक घर के अंदर छोटी सी अलमीरा थी लकड़ी की, वो बाहर फेंकी हुई मिली है। इसमें काफी महत्वपूर्ण कागजात हैं जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा एक टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और कुछ अपने गुप्तचरों के माध्यम से भी हम लोगों को जानकारियां मिली हैं। उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर हम इसका उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 25 घंटे पूरे होने को हैं, लेकिन कातिल अब तक फरार है और बिहार पुलिस खाली हाथ। अब तक की जांच में पुलिस ने कई अहम सबूत मिलने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक
कमरे की मेज पर 3 गिलास और कुछ कागज रखे थे। गिलास में रखे पेय पदार्थ की जांच की जा रही है। मुकेश सहनी के घर से 2 मोटरसाइकिल भी मिली हैं। हत्या में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक रात 10 से 11 बजे के बीच घर में 4 लोग दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ, एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस आपराधिक रंजिश, चोरी और राजनीतिक एंगल से मामले की जांच कर रही है। अब तक की जांच में पाया गया है कि 2 लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। 1 संदिग्ध ने अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रखी थी। 2 संदिग्धों के साथ मृतक की 2 दिन पहले ही कहा सुनी हुई थी। कल रात जीतन सहनी का अंतिम संस्कार किया गया। पिता के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार से सख्त एक्शन की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई है। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में SIT जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। लोकसभा चुनाव में हार और खराब नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में जोरदार मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी शिकस्त को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। चौहान अगले 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे पूर्व महासचिव उससे मुलाकात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस पर उन्होंने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया। इसमें सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जगह मिली है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका पदेन सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम शामिल है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एसजी कुमार स्वामी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, वीरेंद्र कुमार, राममोहन नायडू, जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, प्रभार राव, इंद्रजीत सिंह को शामिल किया गया है। कर्नाटक कैबिनेट ने उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी रिजर्व करने वाले राज्य रोजगार विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत प्रबंधन संस्थानों में 50% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व होंगी, जबकि गैर प्रतिबंधित संस्थानों में 75% नौकरियां स्थानीय दावेदारों को देने को बाध्यता होगी। इसके लिए कन्नड़ में माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। जिन जगहों पर योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध न हो, वहां 3 साल के अंदर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर नियुक्ति देनी होगी। निर्धारित नियमों का पालन न करने पर 10,000 से 25,000 तक जुर्माना लग सकता है। विधेयक चालू विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के जंगलों में तलाशी अभियान के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शक है कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इस कार्रवाई में स्पेशल फोर्स, डेल्टा फोर्स, JKP SOG शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक जिले के देसा इलाके में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के बाद सोमवार शाम सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। मुठभेड़ के दौरान एक कर्नल समेत भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मंगलवार सुबह कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय ने दम तोड़ दिया। यूपी और उत्तराखंड के बाद अब बिहार को लेकर बीजेपी की कार्यसमिति बैठक होने जा रही है। 18 जुलाई को पटना में ये बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार में मौजूदा प्रदेश यूनिट का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। उसके पहले प्रदेश कार्यसमिति की आखिरी बैठक मानी जा रही है। 18 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होने के कारण मंत्रिमंडल की बैठक टाल दी गई। अब नीतीश कैबिनेट की अगली बैठक 18 जुलाई की जगह 19 जुलाई की होगी। बंगाल में TMC की अंदरूनी कलह एक बार फिर सड़क पर आ गई है। उत्तर कोलकाता तृणमूल पार्षद सुनंदा सरकार और पार्टी की युवा नेता केदार सरकार को सरेआम थप्पड़ चढ़ गया। दोनों नेताओं के बीच
धुलीपारा स्वास्थ्य केंद्र के सामने इसी बात पर बहस हुई। इसके बाद सुनंदा सरकार का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने केदार के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तृणमूल युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष केदार सरकार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध निर्माण से लेकर जुटे सट्टे तक का पार्षद सीधे तौर पर समर्थन कर रही है। अनैतिक कार्यों का विरोध करने पर उनके साथ बदसलूकी हुई। 2019 में ये लोग बहुत करके हम लोग का वार्ड से, हम 650 वोट में पीछे था, सुदीप दा ने हार गया था इसके वार्ड को। इस बार हम लोग बहुत मेहनत करके, ये जो हम लोग आए हैं जीत के, बहुत मेहनत करके जीते। इस जीत में वो लोग का एक परसेंट भी वो लोग का कोई योगदान नहीं है। तो जीत के बाद ये झमेला शुरू हुआ है। तो अब सीधे है मेरे नेतृत्व से, मेरा जो कर्मी लोग है, तृणमूल कर्मी लोग, हम लोगों के नेतृत्व से इस वार्ड को हम लोग जीते हैं, सबसे बड़ा बात। और इस उन लोगों का सबसे बड़ा दुख का बात है कि इस वार्ड जीते क्यों। सीबीआई की टीम ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी पंकज कुमार को पटना से सीबीआई की टीम ने पकड़ा है, जबकि दूसरा आरोपी राजू सिंह को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई सूत्रों की माने तो आरोपी पंकज कुमार उर्फ आदित्य कुमार ने ट्रंप से पेपर चोरी किया था, जिसके बाद से लीक किया, जबकि राजू का आरोप है कि उसने पेपर अपने गैंग के लोगों में बांटा था। पंकज पेशे से सिविल इंजीनियर है, झारखंड के बोकारो का रहने वाला है। हजारीबाग के उस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के सामने पंकज और राजू को बैठाकर सीबीआई पूछताछ की तैयारी में। मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिप्रा नदी के घाट पानी में डूब चुके हैं। जिला प्रशासन ने फिलहाल घाटों पर पूजा पाठ करने पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिप्रा नदी का जलस्तर और बढ़ेगा। बाढ़ की आशंका को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। आसपास रहने वालों को अलर्ट किया गया है, साथ ही पर्यटकों से भी घाट पर न जाने की अपील की गई। बिहार में बाढ़ ने बाहरी तबाही मचाई है। कई जिलों में हो रही बारिश और नेपाल से आ रही पानी की वजह से गंडक समेत तकरीबन सभी नदियां उफान पर है। अररिया से बाढ़ की वजह से कई इलाके पूरी तरह बह चुके हैं, कहीं पर पुल बह चुका है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बिहार में पुल बहने से कई घटनाएं सामने आ रही। मॉनसून आने के बाद से राज्य भर में अब तक तमाम पुल टूटकर जल समाधि ले चुके हैं, जिससे सरकार के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ चुका है। असम में बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। राज्य भर में 1342 गांव जलमग्न है। ब्रह्मपुत्र नदी निमाटी घाट, तेजपुर और दुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ से 109 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश और बाढ़ का पानी नेताओं के घरों तक भी जा चुका है। बाढ़ की तस्वीरें जोरहाट से भी सामने आई, जहां सांसद गौरव गोगोई के घर पर भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। आसपास के इलाके में भी भारी जलभराव है, जिसमें सांप जैसे जानवर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश की वजह से नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी पुल तक पहुंच गया। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल से गुजर रहा एक ऑटो उसकी चपेट में आ गया। ऑटो में 2 महिलाएं समेत 4 लोग थे। तेज बहाव के बाद ऑटो सवारियों के साथ करीब 1.5 किलोमीटर तक बहता चला गया। ऑटो में सवार लोगों ने एक पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान बचाई। केरल में भी कुदरत ने जमकर कहर ढाया। बारिश के कारण पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ गया और तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। एर्नाकुलम, मनप्पुरम, श्री महादेव मंदिर में पानी भर चुका है। ये मंदिर केरल के लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां धार्मिक आचरण और परंपरागत अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन मंदिर में पानी भरने से धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पा रहा। पहाड़ों पर हो रही बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। चमोली में भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में भीषण लैंडस्लाइड हुई, एक शख्स की मौत हुई। पहाड़ों से गिर रहे मलबे और चट्टानों की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह पर बंद हो गया। सोमवार मंगल की दरमियान रात करीब 1 बजे जोशीमठ में मारवाड़ी पुल के ऊपर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। एक कच्चे मकान पर भी मलबा गिरा। 2 लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन नेपाली मूल का एक युवक मलबे में दब गया।